अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था को समझने के लिए हमें अपने पास रखी लूसेंट के सामान्य ज्ञान की पुस्तक उठानी होगी और उसे उठा लें तथा पेज नंबर 170 को खोलें, या किसी के पुस्तक में पेज कुछ अलग भी हो सकता है एक साल पुरानी और नई पुस्तकों के वजह से। तो जो भी हो, आप अर्थव्यवस्था वाला चैप्टर खोलें, आप विश्वनिधि पुस्तक की विषय सूची से देख लें और विषय सूची से देखने के बाद अर्थव्यवस्था बिल्कुल जहाँ लिखा हुआ है उस पेज पर जाएं और जो एक बोझ आपका कम करना चाहता हूँ जिससे आप मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश के विषयों में अधिक समय दे पाएँ, और इसे तो हम चाहते हैं कि आप मौके की तैयारी। वैसे वो ज़रूरत हो तो आप साइड में नोट करते रहें, तो शायद आपने अब अर्थव्यवस्था का चैप्टर लूसेंट से खोल लिया होगा सूची से देख करके। वैसे इस पुस्तक में 117 नंबर पर है, पृष्ठ क्रमांक 117। अर्थव्यवस्था समझने के लिए सबसे पहले थोड़ा हमें अर्थव्यवस्था नामक शब्द पर फोकस करना चाहिए। अर्थ व्यवस्था, अर्थ की व्यवस्था, उसमें की छिपा हुआ है अर्थात अर्थ की व्यवस्था, और अर्थ का तात्पर्य है धन से, धनराशि से, धन से। और ये धन किसी भी देश के लिए ऐसे मानक मुद्रा होती है, जैसे हमारे देश की मानक मुद्रा रुपया है, अमेरिका की डॉलर है। इस तरह से लगभग ऐसा कोई अर्थव्यवस्था नहीं होगा जो ऐसी सारी अर्थव्यवस्थाओं में, जैसे जैसे जापान की अर्थव्यवस्था है, जैसे आपकी श्रीलंका की अर्थव्यवस्था है, जैसे चीन की अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उस देश की मुद्रा के रूप में व्यक्त की जाती है, समझी जाती है, आंकी जाती है। तो हम देखेंगे कि अर्थ अर्थात धन अर्थात मुद्रा अर्थात जो उस देश की करेंसी है, और उस करेंसी में कभी विदेशी करेंसी भी आती है हमारे पास सर्जन होता है तो भी उसकी आकलन फिर हमारे देश के हिसाब से उसके हमारे करेंसी में कितनी होगी, तो हमारी मुद्रा में कितनी होगी। अर्थ की व्यवस्था कैसे होगी, धन कहाँ कहाँ से आएगा और उस धन की व्यवस्था कैसे होगी आने की हमारे देश में, उसके स्रोत क्या क्या हैं, किन किन स्रोतों से वह व्यवस्था हो पाती है अर्थ की, और फिर उस हुई व्यवस्था को सरकार अथवा संगठन, जिसे जो हमारे देश में फिलहाल तो सरकार, और ये किस तरह से रुपया उसके पास आती है, और फिर उस रुपये को फिर किन किन क्षेत्रों में खर्च किया जाता है, कहाँ कहाँ निवेश करना होता है, कहाँ कहाँ खर्च करने होते हैं, रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ जाता है, उसके स्रोत और उसके वितरण को समझना होगा कि कहाँ कहाँ उसको देना होता है, कहाँ कहाँ उसको खर्च करना होता है, और एक सिस्टम में होता है, एक व्यवस्था में होता है, इसलिए इसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। लेकिन बच्चों, शायद मैं थोड़ा सा तेज हुआ, आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ कि थोड़ी स्लो। तो अर्थव्यवस्था अधूरा शब्द है, इसे समझने के लिए चूँकि उस किसी देश विशेष की मुद्रा की भी समझ और उसकी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए इसका नाम पूरा इस तरह होता है, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था, रूसी अर्थव्यवस्था, जापान की अर्थव्यवस्था, इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था, ये चीज़ें उसके साथ जोड़कर कंप्लीट की जाती हैं। लेकिन बच्चों, सबसे पहले आपको कुछ प्रकाश तो ज़रूर दिखाई दिया होगा और लूसेंट की बुक भी आपके हाथ में होगी। अब देखें, इसमें परिभाषा भी दिया हुआ है ताकि आपको नया नोट्स का बोझ न उठाना पड़े, बनाना पड़े। आप ये देखें, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर का एक हेडिंग दिया है, हेडिंग बनाया हुआ है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का, अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन है। ये क्या अध्ययन है, क्या अध्ययन करता है, मानव की आर्थिक गतिविधियों का। अब सवाल ये उठता है कि एक लाइन आपने सुना तो क्या बच्चों आप में से कौन सी ऐसी, कोई भी ऐसा छात्र नहीं होगा जो एक लाइन अगर कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता में सुने तो उसे एक ही बार में न याद हो, शायद कोई हो
तो कोई बात नहीं, हमारे 1000 पोस्ट कहीं निकलते हैं तो कुछ लोग अंडर 50, कुछ अंडर 100 और कुछ 200 400 में सिलेक्ट होते हैं, और कुछ उस 1000 में जाकर के अगर 900 कुछ पर सिलेक्ट होते हैं तो भी सिलेक्ट हो जाते हैं और वेतन भी उस पद का उतना ही मिलता है। हाँ, ये ज़रूर है कि भाई ग्रेड वाइज अगर अंतर है तो उसमें आगे पीछे पोस्टिंग है और आगे पीछे ग्रेड के हिसाब से, लेकिन आप सफल होंगे। ज़रूर नहीं है कि हमारी थोड़ी कमजोरी हमारे ऊपर इतनी हावी हो जाए कि हम उसे दूर ना कर पाए। जहाँ चाह वहाँ राह, आप करके देखो जरूर आएगा। अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन है और यही उसका, जरा आप एक बार अपने दिमाग से सोचें कि क्या है। एक लाइन में, एक सेकंड का विराम देता हूँ। अब देखें बच्चों आगे बढ़ते हुए कि ये आर्थिक गतिविधियों का जो अध्ययन है अर्थशास्त्र, तो क्या इसमें कैसी कैसी गतिविधियां आती हैं, वो कौन सी गतिविधियां हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि आर्थिक गतिविधियां हैं। ऐसी सभी गतिविधियां जिनसे आर्थिक लाभ हो या हानि हो, अर्थात इन दोनों के तत्व हो, अर्थात किसी ऐसी गतिविधि से जिसे हमें लाभ होता हो हमें हानि होता हो, तो वे सारी गतिविधियां आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत आती हैं। अर्थव्यवस्था दूसरी परिभाषा है इसकी, दूसरी समझ है इसकी। अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है, जैसा अभी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अगर इसके पूर्व किसी देश या किसी क्षेत्र विशेष का नाम न जोड़ा जाए तो यह अधूरा ही रहता है। वास्तव में इसे भारतीय अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था, पुनः रिपीट करता हूँ, जापान की अर्थव्यवस्था, इस तरह से समझना होता है। वास्तव में जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में, उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। बच्चों अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं एक बार जरूर दोहराना चाहूँगा। वास्तव में जब हम किसी देश की उसकी समस्त किसी वास्तव में जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में, किसी क्रियाओं के संबंध में, किस प्रकार के संबंध में, उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संबंध में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। आर्थिक क्रिया किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र तथा सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोग, उत्पादन तथा वितरण से संबंधित है। एक बार थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक और विश्लेषणात्मक रूप से इसको हम बताना चाहेंगे कि आर्थिक क्रियाओं में किसी देश की आर्थिक क्रिया में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो पॉइंट वाइज देखें तो ज़्यादा याद रहेगा, क्योंकि हमें पॉइंट जब याद रहेंगे कि आखिरी पॉइंट कितना है और वो तब कभी हम रिकॉल करते हैं, उसे पुनः याद करते हैं, पुनः सोचते हैं या कहीं लिख कर देखते हैं तो हमें याद होता है कि हमें 6 पॉइंट, 5 पॉइंट, 4 पॉइंट या जितने भी पॉइंट हैं उतने पॉइंट में से कितने याद हैं, सभी याद हैं या कुछ याद हैं, कुछ को और दोहराना है, ये हम उसको समझ पाते हैं। तो हम पहले उसी पर फोकस करेंगे कि किसी भी देश की आर्थिक क्रिया में क्या चीज़ें शामिल होती हैं। पॉइंट वाइज देखें, नंबर एक उस देश के व्यापारिक क्षेत्र, नंबर दो घरेलू क्षेत्र, नंबर तीन सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, नंबर 4 वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग, नंबर 5 उत्पादन, उत्पादन, और नंबर 6 वितरण। इन 6 बिंदुओं से संबंधित होता है किसी भी देश की आर्थिक क्रियाएं, एक बार आप को मैं दो एक मिनट का समय देता हूँ, इन 6 पॉइंट को आप पुस्तक की सहायता से अथवा
इस वीडियो को जो आप सुन रहे हैं उसकी सहायता से अपने मन में आप रिकॉल करें, भूलें तो फिर से उसको देखें पुस्तक में, तो आपको लगेगा कि आपने काफ़ी अच्छी तरह से और पूरे के पूरे 6 बिंदु याद कर गए हैं। जैसे फिर से देखें, एक बार और देखें, कोई बात नहीं, ऊबना नहीं चाहिए। शुरुआत धीरे से होती है और फतह बहुत तेजी से होती है। आर्थिक क्रिया किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र तथा सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोग, उत्पादन तथा वितरण से संबंधित है। अब पॉइंट वाइज इसको एक बार रिवीजन कर लें कि किसी देश की आर्थिक क्रिया में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, आर्थिक क्रिया के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। नंबर एक घरेलू, नंबर एक व्यापारिक क्षेत्र, नंबर दो घरेलू क्षेत्र, नंबर तीन सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, नंबर चार वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग, नंबर पाँच उत्पादन तथा नंबर छः वितरण।